दोस्तों हम सभी अपने बाइसेप मसल्स को ट्रेन करते हैं, ट्राइसेप मसल्स को ट्रेन करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जो असली ताकत होती है हमारे हाथों की, वो हमारे पंजों में, हमारी फोरआर्म मसल्स में होती है। साथ में हमारी कलाइयां भी अगर मजबूत होंगी तो हमारे हाथों में बहुत ज्यादा ताकत होगी। आप सभी को आज मैं बताने वाला हूं जो बड़े बड़े आर्म रेसलर्स होते हैं वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से उनके पंजे बहुत मजबूत होते हैं, उनका जो फोरआर्म मसल्स होता है वो काफी चौड़ा होता है। देखो जब भी हम किसी से पंजा लड़ाते हैं तो हमारी जो ताकत इस्तेमाल होती है वो फोरआर्म मसल्स की ताकत होती है। जो भी आर्म रेसलर्स होते हैं, आपने बहुत सारे आर्म रेसलिंग मैचेस देखे होंगे जिसमें बड़े बड़े जो आर्म रेसलर्स होते हैं वो अपनी फोरआर्म की ताकत से कितनी आसानी से मैचेस को जीत जाते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं जो भी गांव के किसान होते हैं उनकी भी फोरआर्म स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो भारी भारी काम करते हैं, वो भारी भारी चीजों को उठाते हैं जिस वजह से उनका फोरआर्म मजबूत हो जाता है, लेकिन वो अपने हाथों की ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो वो काफी ज्यादा मजबूत हाथ उनके बन जाए। आज के वीडियो में आपको फोरआर्म मसल्स की बेस्ट एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा एक इंसान जो अपने हाथों से बहुत मोटी किताब को बड़ी आसानी से फाड़ देता है, आपको पता है उसका क्या रीजन है? क्योंकि उसके हाथ की जो उसके पंजों की ताकत है वो बहुत ज्यादा है, उसकी उंगलियों में ताकत है और उंगलियां हमारे फोरआर्म से ही जाके जुड़ती हैं, जिस वजह से हम जब उंगलियों का वर्कआउट करते हैं तो हमारा फोरआर्म मसल्स भी मजबूत बनता है। देखिए बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले अपने फोरआर्म वर्कआउट पे आते हैं जो बड़े बड़े आर्म रेसलर करते हैं जो पंजा लड़ाते हैं। देखिए उसमें वो लोग करते क्या है, अपने हाथों में इस तरीके से किसी रस्सी को बांध लेते हैं या किसी रबड़, मोटी रबड़ को, मोटे बैंड को बांध लेते हैं, कपड़े को बांध लेते हैं और उसमें भारी वजन बांध के कुछ इस तरीके से अपने हाथों को, अपने कलाइयों को मोड़ते हैं। इसमें आप लोग जितना भारी वजन रखोगे उतना ही ज्यादा ये आपके फोरआर्म्स मसल्स को मजबूत बनाएगा। देखिए इस एक्सरसाइज को करने का सही तरीका यह है कि आप लोग किसी रस्सी को बांध लें अपने हाथों में और उसके बाद में उस रस्सी में भारी वजन बांध के इस तरीके से करें, ये आपके फोरआर्म को, आपकी कलाइयों को काफी तेजी से मजबूत बनाता है। दूसरी अपनी एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं रिस्ट रोटेटिंग एक्सरसाइज। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, हमें रिस्ट रोटेट करना होता है। अपने हाथों में कोई भी भारी चीज ले लो, खासतौर पर कोई लोहे का रॉड अगर आप लोग लेते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसी के साथ में आप लोग हैमर यानी हथौड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग को एक्सरसाइज करनी है, अपने हाथों को रोक के रखना है और केवल अपनी कलाइयों का मूवमेंट करना है। जब आपकी कलाइयों का मूवमेंट होगा तो आपकी फोरआर्म मसल्स को बड़ा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद में अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे आएंगे जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं ये और भी असरदार है आपके हाथों को मजबूत बनाने के लिए। क्या करना है आप लोग को, आप लोग को फोरआर्म रोलर वर्कआउट करना है। आप लोग को इसमें ध्यान ये रखना है कि जो आप लोग स्टिक लो या जो आप लोग रॉड लो वो रॉड मोटी होनी चाहिए जिसे पकड़ने में आप लोग को ज्यादा मेहनत लगे। जब ज्यादा मेहनत लगेगी तभी ये एक्सरसाइज आपके फोरआर्म मसल्स को टारगेट करेगी। पतली रॉड लोगे, पतली डंडी लोगे तो ये आपके फोरआर्म को सही से ट्रेन नहीं करेगा, आपके फोरआर्म मसल्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो इसमें मोटी चीज को लो, मोटे रॉड को लो और इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, आपके फोरआर्म मसल काफी कम दिनों में और काफी ज्यादा मस्कुलर बन जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की जिसे हम बोलते हैं प्लेट होल्डिंग वर्कआउट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस तरीके से आप लोग किसी भारी प्लेट को लेकर अपने हाथ में होल्ड करके, पंजों में होल्ड करके, उंगलियों के द्वारा इस तरीके से पकड़ के रहना है, जितनी देर रह सको उतना ही अच्छा फोरआर्म मसल्स ग्रो होगा। इसी एक्सरसाइज को अगर आप लोग घर में करना चाहते हो तो बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा। आपके घर में जो किताबें होती हैं उन किताबों को, मोटी मोटी किताबें, अगर आप लोग 2-3 किताबें इस तरीके से पकड़ के और रोक के रखोगे अपने हाथ में 1 मिनट, 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में अगर आप लोग रोक के रखोगे तो ये आपके फोरआर्म मसल्स में बहुत ज्यादा आपको गर्मी फील कराएगा। उसके साथ में आपके फोरआर्म में काफी पंप मिलेगा जो आपके फोरआर्म मसल्स को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होता है। इस एक्सरसाइज को जितनी देर परफॉर्म कर पाना उतना ही आपके लिए अच्छा है और आपकी फोरआर्म मसल्स को ये काफी ज्यादा मस्कुलर बनाता है। देखिए जितने भी वर्कआउट मैंने आपको बताए इन सभी वर्कआउट को करने से आपकी फोरआर्म मसल्स के जो फाइबर होते हैं वो टूटते हैं और उन फाइबर को रिपेयर करने के लिए आपको अपने खाने में हाई प्रोटीन रखना होगा, साथ में आपको अपने खाने में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा रखनी होगी। खास तौर पे आप लोगों को विटामिन्स ज्यादा लेने होंगे, जैसे विटामिन ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, मतलब सारे जो भी विटामिन्स है वो जब आप लोगे तभी आपकी मसल सही से रिपेयर हो पाएगी। तो अपनी बॉडी
बॉडी में सभी मिनरल्स सभी विटामिन्स को लेने के लिए आप लोग मैन मैटर्स का मल्टी विटामिन गमीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया इसमें आप लोगों को मल्टी विटामिन्स मिलते हैं, विटामिन ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, B5 हो गया, B12 हो गया, डी हो गया, उसके साथ में मिनरल्स जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे हमारी बॉडी के लिए हमारी ओवरऑल जो मसल्स रिपेयरिंग है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मैन मैटर्स का मल्टी विटामिन गमीज पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री है, उसके साथ में बता दूं उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स आपको नहीं मिलेंगे, 100% वेगन है और सर्टिफाइड किया गया है बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा। तो मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन डी मिलता है इसमें, तो ये आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, ये आपकी वाइटलिटी को बढ़ाता है, आपके शरीर में ताकत बढ़ाता है, वर्कआउट करने के लिए ताकत जरूरी है तो ये आपके ताकत को भी बढ़ाता है। और ये गमीज बहुत ज्यादा टेस्टी आप लोगों को खाने में लगेंगी, तो मतलब जो भी नॉर्मली मल्टी विटामिन्स होते हैं बहुत खाने में अजीब से कड़वे से लगते हैं, मगर ये गमीज आप लोगों को बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। अपने पॉकेट में रखे हो कभी भी पूरे दिन भर में आप लोगों ने दो गमीज खा ली, आप लोग के जो मल्टी विटामिन जो आप लोगों को विटामिन चाहिए शरीर में वो पूरी आप लोगों को इसी से मिल जाने वाला है। कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आप लोग जान लो। मैन मैटर्स के मल्टी विटामिन गमीज के आप लोग रोज दो गमीज का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आप लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। कोशिश करना कि कम से कम 2 से 3 मंथ इसका रेगुलर यूज करना, आपकी मसल्स ग्रोथ काफी तेजी से होने लगेगी। मैं आपको बता दूं मैन मैटर्स इंडिया का ओनली होलिस्टिक मेंस वेलनेस प्लेटफॉर्म है। इसमें आप लोग को हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट, स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट, सेक्सुअल वेलबींग के प्रोडक्ट, उसके साथ में जो भी आपके परफॉर्मेंस, हाइजीन एंड स्लीप, मतलब हर तरह के प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये पहला ऐसा डिजिटल क्लिनिक है जहां पे आप लोगों को डॉक्टर से कंसल्टेंसी फ्री में प्रोवाइड की जाती है जो कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। मैं आप लोगों को मैन मैटर्स के मल्टी विटामिन गमीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की जिसे हम बोलते हैं डोर पिंच वर्कआउट। अब देखिए इस वर्कआउट में आपको क्या करना होता है, आपके घर में जो दरवाजे होते हैं ये बात का ध्यान रखना कि दरवाजा मजबूत होना चाहिए तभी आप लोग ये एक्सरसाइज कर पाओगे। तो आपके घर का जो दरवाजा है उसको आपको कुछ इस तरीके से अपनी उंगलियों से पकड़ना है और उसके बाद में आपको नीचे बैठना है और अपने शरीर को पीछे खींचने की कोशिश भी करनी है और अपने शरीर को रोक के भी रखने की कोशिश करनी है। जो आपने अपने हाथों से अपनी उंगलियों से को पकड़ा है उसको आपको तेजी से पकड़ना है ताकि आप ज्यादा पीछे ना जा पाओ। ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है और अगर आपको ये पता लगाना है कि किसी के हाथ में कितनी ताकत है, क्या वो चीजों को सही से पकड़ पाता है, उसका हाथ मजबूत है या नहीं, तो आप उससे ये एक्सरसाइज जरूर करवा के देखना। और अगर वो काफी देर तक रुक पाता है इस पोजीशन में तो इसका मतलब उसका हाथ बहुत मजबूत है, और अगर वो नहीं रुक पाता है तो इसका मतलब उसका हाथ कमजोर है। तो आप लोग अगर नहीं रुक पाते हैं इस तरीके देर तक तो आप लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि धीरे धीरे समय के साथ में आपका जो फोरआर्म मसल्स है वो काफी तेजी से मजबूत बनेगा, साथ में आपकी कलाइयां भी मजबूत होंगी। दोस्तों ये तो हो गया फोरआर्म मसल्स का वर्कआउट। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि अपने पूरे शरीर का वर्कआउट हम लोग कैसे करें तो आप लोग को स्क्रीन पे समय एक वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो पे क्लिक करिए, आप लोग को पूरे शरीर का वर्कआउट मिल जाएगा जो आप करके अपने पूरे शरीर को मस्कुलर बना सकते हैं।